हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेंगे रे डायग्राम्स बाय कंकेव मिरर्स। पिछली वीडियो में हमने सब तरह की रेज समझी थी और किए थे रे डायग्राम्स बाय द कन्वेक्स मिरर, जिसमें सिर्फ हमने दो केस पढ़े थे, एट इंफिनिटी एंड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। रे डायग्राम्स जब हम कंकेव मिरर्स के बनाते हैं तो वी हैव गॉट सिक्स केसेस हियर, एट इंफिनिटी, Beyond C, at C, between C and F, at F and between F and P. जो हमारे कन्वेक्स मिरर्स हैं उसमें सिर्फ दो केस इसलिए होते हैं क्योंकि आपने देखा कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस मिरर के राइट में आता है, मीन्स बिहाइंड द मिरर आता है। तो हम ऑब्जेक्ट को तो बता ही नहीं सकते विद रिस्पेक्ट टू सी और एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उस साइड में होता नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे, और कन्वेक्स मिरर में सी और एफ जाते हैं पॉलिश सरफेस के आगे। तो इसके उसमें सिर्फ दो केसेस, या बहुत दूर एट इंफिनिटी या फिर एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। बट क्योंकि कंकेव मिरर में हमारे पास ये सारी पोजीशंस हमारी ऑब्जेक्ट वाले साइड में है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन ऑब्जेक्ट की रिलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। So we begin with that same case जो हमने कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, when the object is at infinity। और हमको ये भी पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम कौन सी रेज लेते हैं? Yes, we take parallel rays। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले डॉटेड लाइन बनाते हैं और फिर एक रेगुलर लाइन बना देते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यू विल बी डूइंग ऑल दीज डायग्राम्स विद स्केल। Now, अब हम पता है जी जो भी रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्टेड रे के एरोस बनाने नहीं भूलेंगे आप। और हम ये देख रहे हैं कि जहां पर हमारी दोनों रेज मीट करती हैं वहां इमेज बनती है। तो अब बारी आती है इसके नेचर को डिफाइन करना, नेचर एंड पोजिशन। We are defining the nature and position of the image. हम देख रहे हैं इमेज कहां पर बन रही है? फोकस पे। तो लिखेंगे एट एफ, और हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर वर्ड आता है पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और क्योंकि ये मिरर के सेम साइड पे बन रही है इसलिए ये इमेज हमारी जो है रियल है और इन्वर्टेड है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रियल इमेज वो होती है जो एक स्क्रीन पर बन जाती है। अगर हम यहां पर एक स्क्रीन रखेंगे तो हमारे को एक शार्प स्पॉट ऑफ लाइट मिलेगा जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी हैव टू डिफाइन द नेचर एंड पोजिशन। वी नो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, इट इज रियल एंड inverted. Now we come to the second case, case 2, that is beyond C. When an object is placed beyond C, ऐसे तो object को represent किया जाएगा और फिर दो rays लेंगे coming from the same point, फिर वही एक ray लेंगे parallel to the principal axis. ये रे सबसे इजी रहती है लेने के लिए, तो इसलिए इस रे को तो आप जरूर लीजिए। और जो रे पैरेलल आएगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस लाइक दिस। एनी रे इंसिडेंट पैरेलल इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड पासेस थ्रू द फोकस। और दूसरी रे हम फोकस से ले सकते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। तो दूसरी रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एनी रे विच इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वी नो इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे को मिला है वो इसके अपर टिप को रिप्रेजेंट करेगा और ये इमेज इस तरह से एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। इमेज को हम डॉटेड लाइन से
रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये यह हमारी इन्वर्टेड इमेज है। अगर हमारी इमेज को हम नेम कर देते हैं ए बी, सॉरी ऑब्जेक्ट को नेम कर देते हैं ए बी, तो इमेज को ये ए पॉइंट यहां बना है, इसको नेम कर देंगे ए डैश और इसको नेम कर देंगे बी डैश। तो ए बी इज माई ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज माई इमेज। नाउ कमिंग टू डिस्कसिंग द नेचर ऑफ दिस, इमेज कहां बनी है हमारी, बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजिशन तो इमेज की हो गई बिटवीन सी एंड एफ। अब देखें इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी, छोटी है तो क्या वर्ड आएगा, डिमिनिश्ड। और हमें दिखाई दे रहा है यहां पर कि इमेज इन्वर्टेड है एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल, वी कैन ऑलवेज रिलेट रियल विथ इन्वर्टेड। सो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। और एक चीज और कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। सो इमेज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज अ इन्वर्टेड इमेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हुई इमेज भी हमारे को ये बताती है कि ये एक इन्वर्टेड इमेज है और ये रियल इमेज है। और ये इमेज भी उसी साइड में बन रही है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हैं ऑन द सेम साइड, इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज इज द ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम साइड मतलब कि ऑब्जेक्ट वाली साइड, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। और जो एक रियल इमेज होती है वो हमेशा सेम साइड पे ही बनती है। केस थ्री, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हम पहली रे लेंगे पैरेलल, वही सेम तरीके से जो पैरेलल आएगी, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और दूसरी रे हम फोकस से ले लेंगे, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। एनी रे विच इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस रिटर्न्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये बनी हमारी इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट को फिर से नेम करते हैं ए बी, तो इमेज का नेम आ गया ए डैश और बी डैश। अगर हम इस केस में देखते हैं कौन सा केस है ये, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है, एक रे पैरेलली फोकस से गई, दूसरी फोकस से इंसिडेंट हुई और इट हैज रिटर्न बैक पैरेलल, एंड वी सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट सी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी पर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर ही बनती है। तो यहां पर हमारी इमेज आ गई एट सी, और हम ये भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो वी राइट हियर सेम साइज, सेम साइज। दिस इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। और सिमिलरली ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, रियल इमेज मीन्स ऑन द सेम साइड। तो जब भी रियल आएगी तो वो सेम साइड पे ही बनेगी और इन्वर्टेड तो वो होगी ही। तो ये हमारे थ्री केसेस हो गए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। इफ यू ऑब्जर्व, अगर हम इसको समझें, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, अब एट सी आया। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हमारे मिरर के पास आ रहा है, इट इज अप्रोचिंग द मिरर, एंड एज द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द मिरर द इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। फर्स्ट द इमेज वॉज एट एफ, देन इट वेंट बिटवीन एफ एंड सी, नाउ इट हैज गॉन टू सी, एंड वी विल सी फर्दर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर द इमेज मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर। नाउ लेट मी टेक केस फोर विच इज बिटवीन सी एंड एफ।
Now we have to take the object here between C and F, and we again have to select two rays. First one, again, a ray incident parallel reflects back through the focus, and the second ray can be taken through the focus or it can be taken through the center of curvature. That's choice. So if we take a ray maybe through the center of curvature, we have to extend the mirror. So a ray which is from the object incident onto the mirror as if coming through the center of curvature will be reflected back through the center of curvature, and the reflected ray will meet somewhere beyond C. The reflected ray will meet somewhere beyond C. Again, if AB is my object, A dash, B dash is my image. So when my object is between C and F, my image is formed beyond C. My image is formed beyond C. It is larger than the object now. So for the larger object, we use the word enlarged. And of course, we see here it is real and inverted and on the same side, which can also be said by the fact that the image is a real image. Now we come to case 5 mentioned over here at F. This is case 5 as this was case 4. So now from the position between C and F, we are further moving towards the mirror, and my next position is at F. When the object is at F, my object is AB. First ray, which one we will take? Yes, by now you have got it. A ray parallel to the mirror. And any ray which is comes parallel or is incident parallelly reflects back through the focus. So this will be reflected back through the focus. The second ray through the center of curvature, incident like this, will be reflected through the center of curvature, and we observe that these two reflected rays are parallel to each other and hence they will not meet, and they being parallel, they will continue up to infinity. So we can see in this case, we will, where is the image formed now? The image is formed at infinity. The image is formed at infinity, and of course, because we see that the rays are being extended below the principal axis, so the rays will be real and inverted. The image form will be real and inverted, and it will be highly enlarged. Highly enlarged. Image is formed at infinity, therefore we will not show the image in the ray diagram, and the real image is real and inverted, and the image is highly enlarged. If you recall case 1, in case 1, the object was at infinity and the image was formed at focus. And this is object at focus, image is at infinity. So these cases can be said to be opposite to each other, or they go parallelly. That is, if at infinity, the image is at focus. If the object at focus, the image is at infinity. Now we come to the final case, because I am left with the final distance which I can take, that is between the focus and the pole. This is my last case, as we have moved almost very close to the mirror. This is my object AB. First ray, again parallel. Any ray which is incident parallel will
will be reflected back also obliquely from the pole. If we see that these two rays are diverging, it means they will not meet on the same side where the object is, but we will have to produce back the rays to make them meet. So we produce back these rays and we see that the two rays meet behind the mirror. And we know that when a ray is, or when an image is formed behind the mirror, it is a, yes, virtual and erect image. It is a virtual and erect image. This image cannot be obtained on the screen and we get an enlarged image. Now, because there is no PLF to explain the position of the image, so we will simply say behind the mirror. What position do we use? Behind the mirror. So, my image is behind the mirror, enlarged, virtual and erect. Now, if you see here, in this case, my image lies above the principal axis. And when it is above the principal axis, it is a virtual and erect image. So, here we have discussed the six cases. It is only in the final case of the concave mirrors that we get a erect image. In all the other cases, we get an inverted image, a real image, and here we get an erect image and enlarged image. So, I would like to end my video here, and if you like it, please do like, share and subscribe. And for any queries, you may comment in the comment box. Thank you.